दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना से अब बेटी के जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए मिलेंगे। ये रुपए कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए आपके घर में कोई बेटी है जिसे आप इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राज्य की बेटियों के लिए राजश्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर उनकी 12वीं कक्षा पूरी होने तक सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी। राजश्री योजना राजस्थान के तहत और लड़कियों को ही सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी। जिन लड़कियों का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है, उससे पहले जन्म लेने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान राजश्री योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेटियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करवाना है। इस योजना के द्वारा लड़कियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार रहेगा। बेटी के माता पिता के पास भामाशाह कार्ड तथा आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ लेने वाला परिवार राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली और दूसरी किस्त की सहायता राशि उन्हीं बेटियों को प्रदान करवाई जाएगी जिनका जन्म सरकारी अस्पतालों में हुआ होगा। भामाशाह कार्ड को सीधे बैंक खाते से जोड़ा जाएगा, सहायता राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये सहायता राशि बेटी के परिवार को किस्तों में प्रदान करवाई जाएगी। 2500 रुपये बेटी के जन्म के समय प्रदान करवाए जाएंगे और 2500 रुपये एक वर्ष का टीकाकरण होने पर प्रदान किए जाएंगे। 4000 रुपये बेटी की पहली कक्षा में प्रवेश के समय मिलेंगे, 5000 रुपये छठी कक्षा में प्रवेश के समय मिलेंगे और 11000 रुपये दसवीं कक्षा में प्रवेश के समय दिए जाएंगे और 25000 रुपये 12वीं कक्षा पास करने पर मिलेंगे। राजश्री योजना 2020 के तहत बेटी को कुल 50000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते के पहले पृष्ठ की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कूल में प्रवेश होने का प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा पास होने का प्रमाण पत्र। इस योजना का लाभ राजस्थान बाल एवं महिला विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। गर्भवती महिला को एम्स जांच के दौरान भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवाना होगा। बेटी के जन्म के समय एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा। पहली तथा दूसरी किस्त के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। ये किस्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी। मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर प्रदान करवाया जाएगा। बेटी के प्रथम कक्षा में प्रवेश होने पर परिवार को तीसरी किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन ई मित्र या अटल सेवा केंद्र या फिर आपको जनसेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा। इसी तरह से आपको ये 50000 रुपये मिलेंगे। बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक आपको 50000 रुपये दिए जाएंगे। ये योजना राजस्थान की सरकार ने इस योजना को चलाया है। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने प्रदेश का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपके प्रदेश में ऐसी कोई भी योजना चलेगी उसकी सबसे पहले जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। आपने अपना कीमती समय दिया इस We're gonna make it.